जय हिंद मित्रों, YouTube चैनल अजितांजलि के प्रगतिशील भारत की वीडियो में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूपी को क्या एक नए एक्सप्रेसवे की पुनः मिली सौगात? आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि यूपी वालों के लिए विशेष खुशखबरी कौन सी है और कौन सा अब एक नया एक्सप्रेसवे शुरू होने वाला है। दोस्तों, तो अगर अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली किसी भी नई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजितांजलि। वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से आत्मिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजितांजलि में। यूपी वालों के लिए विशेष खुशखबरी है और शुरू होने वाला है एक नया एक्सप्रेसवे। यूपी में ताज एक्सप्रेसवे पर काम जल्द शुरू होने जा रहा है। देश की प्रमुख बुनियादी ढांचा कंपनी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड विशेष प्रयोजन इकाई SPV मेरठ बदायूं एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड को उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे के तहत मेरठ से बदायूं खंड के लिए परियोजना पर काम शुरू करने की आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। दोस्तों, कंपनी के अनुसार गंगा एक्सप्रेसवे समूह एक के तहत कुल 6538 करोड़ रुपए की लागत से मेरठ और बदायूं के बीच 129.7 किलोमीटर लंबी 6 लेन वाली सड़क बनाई जाएगी। परियोजना का विकास बनाओ चलाओ और सौंप दो BOT आधार पर किया जाएगा। कंपनी ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPDA से उसे परियोजना पर काम शुरू करने के संबंध में नियत तिथि प्राप्त हो गई है। बयान के अनुसार कंपनी नियत तिथि प्राप्त होने के अनुरूप अब निर्माण गतिविधियां पूरे जोर शोर के साथ शुरू करने के लिए तैयार हैं। IRB इंफ्रा समूह के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक वीरेंद्र महेश्वर ने कहा, यह हमारे लिए सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित परियोजनाओं में से एक है। हम गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर जोर देते हुए इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कंपनी ने 6538 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए सफलतापूर्वक वित्त व्यवस्था की थी। इसमें से 2659 करोड़ रुपए उधारदाताओं के संघ से प्राप्त हुए, जबकि कंपनी और उसके सहयोगी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट ने 2133 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश किया। इसके अलावा UPDA ने परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए 1746 करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया है। दोस्तों, तो ये है जानकारी उत्तर प्रदेश में बनने वाले एक नए एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की, इस परियोजना ताज एक्सप्रेसवे के बारे में जिस पर अब भविष्य में काम शुरू होने वाला है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने लोगों में इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली किसी भी नई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, तो मिलते हैं फिर किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।